अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सरकार ने किया विकास दुबे का एनकाउंटर, ये कहना था ओम प्रकाश राजभर का। भारतीय झूठ पार्टी अपराधियों को देती है संरक्षण, ये कहना था ओम प्रकाश राजभर का। विकास दुबे के मारे जाने के बाद पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। वाराणसी से सुहेलदेव राजभर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। राजभर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। राजभर का कहना है कि झूठी सरकार अपने पहले इन एनकाउंटर करवाकर विकास दुबे की हत्या की है। इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ने एक ड्रामेबाजी कर विकास दुबे के एनकाउंटर को करवाया है। ये लोग कानून को मानने वाले नहीं हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार ने करवाया है एनकाउंटर। और क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने, सुनिए उन्हीं की जवानी। देखिए, ये एनकाउंटर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये एक ड्रामेबाजी की तरह उस विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। ये कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर वो उसको ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में 2 घंटे घूम रहा था और वहां के प्राइवेट सिक्योरिटी ने उसको पहचान करके पुलिस को फोन करती है, फिर वो प्राइवेट सिक्योरिटी महाकाल मंदिर से लेके बाहर आती है, फिर पुलिस जाती है उसको ले जाकर के थाने में बैठाती है, तब तक गृह मंत्री का बयान आ जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में खूंखार आतंकवादी विकास दुबे गिरफ्तार। ये गृह मंत्री मध्य प्रदेश का बयान, इसका मतलब कि वो पहले से जानते थे। 2017 के चुनाव में गृह मंत्री जी कानपुर, 2017 के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी, प्रभारी बनाए गए थे कानपुर, जांच होनी चाहिए इसकी भी। वहां के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि पुलिस ने, पुलिस का पीठ थपथपा रहे हैं कि बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और उत्तर प्रदेश बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी 3 साल तक सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है, पुलिस के इशारे पर अपराधी को संरक्षण मिल रहा था, जिसका खुलासा कानपुर के एसपी को एसटीएफ डीआईजी बना दिया गया था, उनको हटाया गया। खुलासा चौबेपुर थाने के 68 लोगों को लाइन हाजिर किया गया, जो खुलासा इसी तरह के तमाम लखनऊ से लेके कानपुर तक तमाम लोग उसमें फंस रहे थे, मध्य प्रदेश से लेके लखनऊ तक तमाम लोग उसमें फंस रहे थे। फरीदाबाद से उज्जैन की दूरी गाड़ी से जाने के 12 घंटे का सफर, वो कैसे जा रहा है जब लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी, आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, आपके बॉम्बे से, केरल से, आंध्रा से ये भारतीय श्रमिक मजदूर आ रहे थे, तो बॉर्डर पर इतनी फोर्स लगा दी गई कि वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। और एक आदमी जो हिस्ट्री सीटर, जो आतंकवादी, उसको पकड़ने में 2.5 लाख पुलिस, सरकार ना फेल हो गई। ये अपनी नाकामी योजनाबद्ध तरीके से, उसको संरक्षण था, उन लोगों को लगा कि उज्जैन में चला जाएगा, वहां गिरफ्तार हो जाएगा तो इसकी जान बच जाएगी, उल्टा हो गया। वहां जाने के बाद जब वो रात को उससे पूछताछ हुई तो वो नाम जब लेने लगा बड़े बड़े राजनेताओं का, अधिकारियों का, तो वहां से फोन आने लगा यूपी को, तो फिर यूपी से एसटीएफ गई और फिर उसको जब सुबह लेकर वहां से चलती है, तो हमारा आप लोगों के माध्यम से सरकार से सवाल है, गाड़ी पलट गई मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बात मान लेते हैं, गाड़ी पलटती है तो उसमें से लोग निकलते हैं, आप दुर्दांत अपराधी गए हो पकड़ने, आप अगर गाड़ी पलटी तो पूरी सिक्योरिटी जो उसके पीछे लगी थी तुरंत गाड़ी को घेर लेना चाहिए था, उसको भागने का मौका आपने कैसे दिया। अगर वो गाड़ी पलटी तो वो जिस पुलिस का रिवाल्वर खींचा, तो क्या वो रिवाल्वर खींचा तो वो चिल्लाया, क्या आवाज दिया, क्या उससे भाजा, क्या कुछ किया, वो इस बात को क्यों नहीं बता रहे हैं आप। इसका मतलब कि जो जितनी भी घटनाएं ये हो रही हैं विकास दुबे की, पल पल में संदेह होता जा रहा है, सरकार फंसती जा रही है। ये शुद्ध रूप से जो इनका इसका इनकाउंटर किया गया है, सरकार अपने बचने के लिए, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए उसका इनकाउंटर किया है। अगर ये कानून को मानते तो उसको कानून के हवाले करते, स्पेशल कोर्ट बना करके, स्पेशल अदालत बना करके आप उसको फांसी का सजा दिला देते, तब भी उसके परिवार के लोग खुश होते कि भाई इसको फांसी की सजा दी गई। हमको तो ताजुब होता कि गाड़ी पलट गई और वो निकल के भाग रहा है और ये लोग बैठ करके गाड़ी में अपने देख रहे हैं कि वो भाग रहा है। इसे साफ जाहिर होता है कि सरकार के इशारे पर उसका इनकाउंटर किया गया है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए,
इस पक्ष में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वर्तमान जज से जांच कराने की मांग करते हैं।